अभ्यास दो के स्टेप सिक्स पे थे हम लोग, और ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि हम किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं या जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करते हैं। तो प्रतिक्रिया पूर्वक जीना किस प्रकार होता है, इसको कल हमने अध्ययन किया था। यदि मेरे संस्कार मान्यता पर आधारित है तो मैं स्वयं में निरंतर सुख की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता हूँ, इसलिए बाहर से संवेदना से या दूसरों से भाव पाकर सुख पाने के प्रयास में लगा रहता हूँ। यदि मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित होते हैं तो मुझे संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव अनुकूल लगता है, जब अपने संस्कार के आधार पर तो मैं सुखी हो जाता हूँ और ये मेरी आवेश की स्थिति है। मैं इस अनुकूल संवेदना को बनाए रखना चाहता हूँ, है ना। इसी को तृष्णा नाम दिया, राग नाम दिया, आसक्ति नाम दिया, क्रेविंग, अटैचमेंट, है ना। मैं अनुकूल भाव को बनाए रखने के पक्ष में ही निर्णय करता हूँ और अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया करता हूँ। फिर मुझे संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव जब प्रतिकूल लगता है अपने संस्कारों के आधार पर, तो फिर मैं दुखी हो जाता हूँ, ये भी मेरे आवेश की स्थिति है। मैं इस संवेदना को हटाना चाहता हूँ, तो द्वेष का भाव हमारे अंदर जगता है उसके प्रति, और मैं प्रतिकूल भाव के विपरीत निर्णय लेता हूँ और अंदर ही अंदर फिर प्रतिक्रिया करता रहता हूँ। तो अभी आप पाएंगे कि ये राग और द्वेष की जो स्थिति है ना, अनुकूल के प्रति जो एक आसक्ति या प्रतिकूल के प्रति द्वेष का जो भाव है, ये इन में हम दोलन करते रहते हैं और ये प्रतिक्रिया हमें पता नहीं चलता, बट समान रूप से हमारे अंदर बनी रहती है। बजाय इसके कि संवेदना को हम जैसा वैसा देख पाए और उसको जो हम अर्थ दे रहे हैं वो समझ के आधार पर दे पाए, और हम जो गहरी मान्यताएं बन गई हैं, संस्कार रूप में बन गए हैं हमारे अंदर, उनसे हम निवृत्त हो पाए, हमारा जीना मोर और लेस देखे तो इन्हीं दो छोरों के बीच में होता रहता है, इन्हीं में हम दोलन करते रहते हैं। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात थी। और इसके साथ कल एक असाइनमेंट हमने और भी लिया था कि यदि किसी संवेदना का हमारा अभ्यास है तो उसको अचानक अपने निर्णय से हम हटा दें और फिर देखें कि हमारे अंदर कैसी प्रतिक्रिया तैयार होती है या हमारी स्थिति सहज रहती है। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना था। किसी को सुबह कोई चाय या कोई पेय लेने का अभ्यास है, रोक दीजिए। कोई चीज़ खाने का अभ्यास है, उसको रोक दीजिए और फिर देखिए कि आपकी स्थिति क्या होती है। तो कोई अनुकूल संवेदना का अभ्यास हमारा बना हुआ है, उसको हम हटा दें सामयिक रूप से, तो हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया हो रही नहीं। इनफैक्ट उस अनुकूल संवेदना के पहले पहले भी प्रतिक्रिया हो रही थी, परंतु वो हमें सुखद लग रहा था, अब हटा दिया गया तो दुखद लग रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं उस संवेदना से सुख को जोड़ा हुआ है, तभी हमारी उस पर परतंत्रता बनी हुई है। यही परतंत्रता पूर्वक जीना है, ये बात हुई थी कि ऐसा कुछ करके हम देखें। जैसे कई बार हमारा कुछ हो सकता है, यहाँ ग्रुप में ना हो बट कई साथियों का कई बार दिखाई देता है कि कुछ पान या गुटखा इत्यादि खाने पीने का खाने का अभ्यास है, कोई चीज पेय के रूप में लेने का गहरा अभ्यास है, वो ना मिले तो व्याकुल हो जाते हैं, कुछ पहनने का गहरा अभ्यास है, वो ना पहने तो व्याकुल हो जाते हैं। तो उसको आप थोड़े समय के लिए हटा के देखिए, देखिए क्या असर पड़ता है कि नहीं। बढ़िया, कई लोगों ने प्रयोग किया है इसको। जी मनीषा दीदी कह रही है आइसक्रीम को लेकर देख पाई, रेणुका जी कह रही है ग्रीन टी को लेकर दिखाई देता है, ठीक बात है। देखिए बहुत तरह के प्रयोग हैं, अपने ऊपर ही करने हैं। जैसे हम लोग लैब में जाते हैं ना, केमिस्ट्री लैब में प्रयोग करते हैं, एक केमिकल डाला फिर देखा क्या हुआ, दूसरा केमिकल डाला फिर क्या हुआ कि नहीं, वैसे ही हमारा बहुत सारा अभ्यास है। एक को हटाया तो क्या हुआ, दूसरे को हटाया तो क्या हुआ, वैसे ही दूसरे से भाव पाने की जो अनुकूलता का एक अभ्यास बना हुआ है, नहीं मिला तो क्या हुआ, मिला तो क्या हुआ। इसे जो भागीदारी की बात होती है, तो जब हम भागीदारी करते हैं फैल कर, और जितना फैल कर करते हैं तो उतने भिन्न भिन्न तरह के अवसर बनते हैं, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। आप एक वर्कशॉप में गए, आपने बहुत अच्छे से बात रखी उदाहरण के लिए, और लोगों ने तारीफ की, हम उससे बिल्कुल इतने प्रभावित हो गए, वो जो अनुकूल भाव मिला इतने प्रभावित हो गए, हो सकता है उसके आधार पर अपना अधिमूल्यन कर लिया। तो गहरा संस्कार था हमारा कि दूसरों से जब पहचान मिलती है, दूसरे जब हमारा नाम लेते हैं, हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो जब हम इस तरह से भागीदारी कर रहे होते हैं तो संस्कार उभर कर आते हैं, हमको दिखाई देने लगते हैं कि देखो मैं ऐसे प्रभावित हो गया। हम वर्कशॉप लेने गए, लोगों ने नहीं स्वीकारा, नहीं तारीफ की, तो हो सकता है फिर हमारे ऊपर दूसरे तरह का प्रभाव पड़ता है।
वैसे ही आप लोगों को कॉल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वर्कशॉप के लिए, और किसी ने झिड़क के बात कर दी, ठीक तो आपको लगता है ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, ये तो अगला व्यक्ति इस तरह से बात करता है, ये तो मेरा अपमान कर रहा है। तो उदाहरण के लिए है ना, तो जैसे हम लोग अभी UHV को लेकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे ही हम समाज की व्यवस्था में भिन्न भिन्न आयामों में पार्टिसिपेट करते हैं। जितना फैल के पार्टिसिपेट करते हैं उतना हमारे संस्कार जो है ना उभर कर हमारे सामने आते हैं। आप किसी गांव में गए मिलने के लिए, बात करने के लिए, है ना, आपको जो कुर्सी मिली वो सबके बराबर नहीं मिली फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है आपको बहुत अपमान महसूस हो और आप प्रतिक्रिया में आ जाए। तो इस तरह से जितना हम फैल कर भागीदारी करते हैं उतना हमको अपने को ऑब्जर्व करने का अवसर मिलता है, कोई अनुकूल संवेदना का अभ्यास है ना। हो सकता है आप फैल कर समाज में काम कर रहे हैं, लंच का समय हो गया है परंतु लोग बैठे हुए हैं आपसे बात कर रहे हैं, ठीक, अब आपको भूख तो लगी है, अब आप वहां पे व्याकुल हो रहे हैं लोग बैठे हमसे बात कर रहे हैं, उस समय भी हमारा प्रायोरिटी क्या बनता है, हम उसमें व्याकुल हो जाते हैं या हम आराम में रहते हैं। तो कई बार होता है कि जब हम बहुत ही सीमित अवसरों पे जीते हैं, बहुत ही कम दायरे में फैल कर जीते हैं, तो हमको हमारे संस्कार पता नहीं लगते, है ना, वैसे ही जैसे कि कवर हो जाते हैं अनुकूलता के द्वारा। बट यदि हम वही फैल कर जीते हैं, समाज के भिन्न भिन्न आयामों में हम पार्टिसिपेट करते हैं, कई लोगों से मिलते जुलते हैं, भागीदारी करते हैं, तो हमें अवसर मिलता है अपने आप को इवैल्यूएट करने का, अपने संस्कारों के सजग होने का। तो जो बहुत सारा हमारा आवेशित होने का अभ्यास है, प्रतिकूल हो तो निगेटिवली, अनुकूल हो तो पॉजिटिवली, इसके बारे में हमको होश होता है। जी बढ़िया, तो इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना था, अपने कई साथियों ने अपने अभ्यास को बदल कर ऑब्जर्व भी किया, कुछ मैसेज है कल क्या अभ्यास इस दिशा में, वस्तु जिस जगह पर पड़ी थी उसको वहीं पर रहने दिया चाहे वो वहां ठीक लग रही हो या नहीं, नहीं तो यही संवेदना प्रभावित करने के लिए काफी है कि हर वस्तु अपनी जगह पर होनी चाहिए, बिखरी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। कई बार हमको घर में लगता है कि चीजें बिल्कुल सजी होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे ढंग से होनी चाहिए, और किसी ने बिगाड़ दिया, हमने कह रखा भाई पानी पीकर जो ग्लास है उसको आप किचन में रखिए, आप उसको टेबल मत छोड़िए, और किसी ने छोड़ दिया, अब हम इस दृश्य को देख रहे हैं, संवेदना हमें मिल रही है, ठीक है ना, और हमें दिख रहा है कि ये हमारे कहे अनुसार नहीं हो रहा है, अब अंदर ही अंदर हम व्याकुल हो रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं, हम क्रोधित हो रहे हैं, उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए। बहुत बढ़िया, नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते भैया। ये प्रश्न ये है कि जो हमारा परसों वाला असाइनमेंट था कि हम लोग वो 9 स्टेप को देख करके किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें करना है, तो उसके रिगार्डिंग हम ये पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए जिस दिन आपका असाइनमेंट था उस दिन तो हम लोग सजग अधिक रहते हैं, तो उस दिन तो उसको कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये पूछना है कि अभी जब तक हम लोगों का उतना नहीं बना है, उतना कॉम्पिटेंसी नहीं डेवलप हुआ है, तो क्या किसी से इंटरेक्शन करने के दौरान अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इसको हमको फॉलो करना है 9 स्टेप को, या इस तरह से, या वो भी एक तरह की कंडीशनिंग हो जाएगी, ये बात पूछना चाह रहे हैं। इंस्ट्रक्शन अपने आप को देना या दूसरे को देना? अपने आप को, स्वयं को। हाँ, तो देखिए अभी हम लोग जो भी अभ्यास कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो जी ऐसा नहीं कि अगले स्टेप पे चले गए तो पिछले स्टेप को छोड़ देना है ना, वो इंक्लूडेड है उसमें। तो एक तरह से ये जो अभ्यास है क्यूमुलेटिव है, मतलब उसको साथ लेके चल रहे हैं, तो पिछले स्टेप को छोड़ कर अगले स्टेप पे जाना ऐसा नहीं, पिछले जी स्टेप को करते हुए जाना है अगले स्टेप पर। हाँ, नहीं भैया, और वो बात भी है, और एक बात ये भी है कि मतलब जैसे हम लोग तो अभी उसको अब काम को कर ही रहे, तो वो तो चूंकि हम लोगों के लिए छोटा छोटा स्टेप में कर दिया गया कि पहले अपने भाव को देखा, फिर उसका मूल्यांकन किया, जड़ चैतन्य के द्वारा जड़ को देखना, शरीर वाला पार्ट उसमें ऐड हो गया, तो जब हमको हमारी बढ़ जाएगी वो कॉम्पिटेंसी, तब तो सारे स्टेप को एक साथ हम लोग कर सकते, वो तो हमारे उसके हिसाब से ना छोटा छोटा कर दिया गया है। जी, तो अगर आखिरी स्टेप को देखें तो वहां ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, कि हमने जी फीलिंग को ट्रांसफॉर्म कर ले, है ना, हम हाँ जो अर्थ दे रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर ले। जी, और भैया उसमें
एक चीज ये है कि जैसे तीन संवेदना आया, कोई मौसम बिगड़ गया, गर्मी हो गई, धूप हो गई, बारिश हो गई, या मान लीजिए शरीर में कोई संवेदना आया तो उसका जो है सो उतना अधिक नहीं वो हो रहा, उससे नहीं चिढ़ रहे कि ठीक है हम ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो बारिश हो गई तो हमारा बैग भीग गया तो उससे हम चिढ़ गए, या बहुत धूप हो गया, वाट एवर, या मान लीजिए शरीर में ही कोई कष्ट, उसका नहीं है। ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन वाला चीज है उसका अधिक प्रभाव है। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रही हूँ, अब और सबके साथ क्या होता होगा ये मैं नहीं जानती। तो उस स्थिति में जो है सो मतलब जैसे हम रात को सोने से पहले ही एक बार पूरे दिन का देख लेते हैं, और सुबह में मुझे किस तरह से मतलब ये करना है उसका भी कुछ अपने में प्लानिंग करते हैं, तो क्या ये हम सही दिशा में जा रहे हैं या अपने आप को कोई चीज मनवा रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं जी भैया। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप मनवा रही हैं या अपने ऑब्जर्वेशन को और शार्पन कर रही हैं। तो ठीक है, सोने से पहले हम एक बार दिन भर का मूल्यांकन कर लें, उठने समय हम दिन भर की योजना बना लें, है ना, और दिन भर सजग रहे, जहाँ पिछले दिन स्लिप हुआ उस पर और सजग हो जाए, जिस हाँ नहीं संवेदना वही से प्रभावित हुए थे आज और सजगता से उसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है। जी। और भैया दूसरी बात, जो जो कल आप कल जो आपका था असाइनमेंट की किसी एक चीज को वो करके देखना है तो ठीक है ना, जैसे मान लीजिए चाय भी पहले पीते थे तो चाय अब छूट गया है तो गिलोय वाला पीते हैं, कल उसको भी करके देखे कि गिलोय नहीं गर्म पानी ही पियेंगे तो ठीक है, उस पर वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। और एक हम अपना ये रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहेंगे, जो जब 2021 में पहला मॉर्निंग सेशन अटेंड करना शुरू किए तो जब ये ध्यान दिलाया गया कि बाहर से सुख खोजते हैं तो कम से कम 100 बार अनइंस्टॉल किए होंगे फेसबुक को और व्हाट्सएप को, फिर करते थे फिर उसको इंस्टॉल कर लेते थे, लेकिन इस बार जब आप ध्यान दिलाए कि हम लोग बहुत सारा काम ऐसा करते रहते हैं जिसका कि कोई उपलब्धि जीवन में नहीं है, उसको जब हम उस पर अपने आप को जब ध्यान दिए अभी उसमें झांकने का जो है सो कम हुआ है, ये हम आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहे हैं। जी, तो हम लोग स्टेप सिक्स पे प्रतिक्रिया पूर्वक कैसे निर्वाह करते हैं उसको स्टडी कर रहे हैं। यदि मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित होते हैं तो अलग अलग स्थिति परिस्थिति में मैं प्रभावित हो जाता हूँ, अपनी प्रतिक्रिया को शरीर के माध्यम से बाहर अभिव्यक्त करता हूँ। तो दूसरे जो भी भाव अभिव्यक्त करते हैं उस पर प्रतिक्रिया, उनकी चाहना, प्रशंका होना, गुस्सा करना, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के प्रति भी प्रतिक्रिया, ठंड के मौसम में आवश्यकता से अधिक अधिक कपड़े पहनना, या शरीर की स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया, सरदर्द के लिए डॉक्टर को बुलाना, बुखार को है और ध्यान देने की जरूरत है बट उसको हल्के में लेना, तो दोनों तरह से चलता रहता है। तो अभी इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों ही तरह के रिएक्शन हमारे में चलते रहते हैं। अभी आप देखिए, हमें एक स्थिति में बने रहना भी कितना भारी पड़ता है। अगर हमको पालथी मारकर ही बैठना हो तो हम मिनट मिनट में अपना पोस्चर बदलते रहते, जरा सा प्रतिकूल संवेदना आई और अपना पोस्चर बदल दिया, नहीं कमरे में गए, बाहर से आए हैं, अभी थोड़ी देर वेट कर सकते हैं परंतु तुरंत एसी चलाओ, फैन चलाओ, कौन है चला नहीं रहा, जल्दी चलाओ, है ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम नहीं है बिल्कुल, ये भट्टी बन गया है, और ढेर सारे रिमार्क्स आने हमारे शुरू हो गए। तो थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ, ये जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हो रही उसमें बाहर, और हम प्रभावित हो गए, शरीर में कुछ हुआ हम प्रभावित हो गए, जरा थोड़ी सी चुभन हुई, झंझनाहट हुई पैरों में, हम प्रभावित हो गए, दूसरे व्यक्ति ने हमारा अनुकूल निर्वाह नहीं किया, हम प्रभावित हो गए। तो इसको हम ऑब्जर्व करें, इसमें काफी कुछ स्कोप दिखाई देगा। इसमें मुख्य बात यह है कि ये जो हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं उससे पहले हम अपने अंदर कुछ अर्थ दे रहे हैं, और जो अर्थ दे रहे हैं वो किसी संस्कार पर आधारित है, और उस संस्कार को हमको देखना है कि चाहिए जो वर्ड है ना, ये हमारे लिए एक बहुत गहरा संस्कार हो जाता है। दूसरे व्यक्ति को ऐसा होना ही चाहिए, सुविधाओं को ऐसा होना ही चाहिए, मेरा शरीर ऐसा होना ही चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, समाज ऐसा ही होना चाहिए, प्रकृति ऐसी ही होनी चाहिए, ये चाहिए जो हम जोड़ लेते हैं, ये एक मेजर प्रीकंडीशनिंग है। टीम ऐसी ही होनी चाहिए, है ना, काम ऐसा ही होना चाहिए। तो होता क्या, जैसे हम इस चाहिए का एक आवरण ओढ़ लिया, ऐसा होना चाहिए, उसके बाद हम फंस जाते हैं उसमें, क्योंकि तो हमारी कंडीशनिंग हो गई। जब चाहिए पूरा नहीं होता है तो हम आवेशित होते हैं, है ना, हमारे अंदर प्रतिक्रिया तैयार होती है, आवेश, क्रोध इत्यादि का।
और चाहे जब पूरा हो जाता है तो भी हम आवश्यक होते हैं और अधिमूल्यन कर लेते हैं अपना या दूसरे व्यक्ति का कि नहीं। तो ये जो हमारे अंदर कंडीशनिंग से आप आएंगे उसमें एक मेजर पार्ट होता है कि हम मान लेते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए और उसमें हम फंसने लगते हैं। वो ठीक है, हमें अपनी चाहना स्पष्ट हो, है ना, दूसरी चाहना स्पष्ट हो और उसके लिए हमको जो भागीदारी करनी है वो स्पष्ट हो, तो फल परिणाम आएंगे। परंतु ये हम ना करें और चाहिए के अनुसार चलें, ऐसा तो होना ही चाहिए, फिर हम फंसते हैं। तो हमारी भाषा में भी ना शुड शुडंट, है ना, डू डोंट, इस तरह की भाषा बन जाती है ज्यादातर समय। जो एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति है हमारी कम हो जाती है, दूसरे को एक्सप्लोर कराने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। जैसे हम डायलॉग भी कर रहे हैं, किसी साथ बातचीत भी कर रहे हैं, तो हम ये देखें अपने आप में, ऑब्जर्व करें कि हम दूसरे को एक्सप्लोर कराने के लिए भाषा रख रहे हैं अपनी, या फिर हम कोई प्रिस्क्रिप्शन रख रहे हैं। किसी ने कोई गलती की तो हम ये पूछ सकते हैं उससे कि क्या इस काम को करने के लिए यही एक विधि है या इससे बेहतर विधि हो सकती है, बजाय इससे कि हम कहें कि तुमने गलती की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटी छोटी चीजें बट हमारे भाषा में अभिव्यक्ति में जाता रहता है। या सीधे हमने पूछा कि भाई ऐसा गलती आपने क्यों किया, बजाय इससे कि हम पूछ लें कि इसको कोई बेहतर विधि भी हो सकती है क्या। तो फिर अगर हम अगले व्यक्ति को गलत कहकर शुरू करते हैं तो अगला व्यक्ति जस्टिफाई करना शुरू करता है अपने आप को। अगर हम गलत कहकर ना शुरू करें बल्कि उसे पूछे सही विधि क्या हो सकती है इसको करने की, तो एक्सप्लोर करना शुरू करता है। ये हमारे बच्चे के साथ भी लागू होता है, हमारे स्पाउस के साथ भी लागू होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ भी लागू होता है, हमारे कलीग के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे पीयर्स के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ। एक हम अपने आप में एक बात को अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक अभ्यास हमारा हो सकता है कि हम हर क्षण स्वयं में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और दूसरा एक्सप्लोर कर पाए इस अर्थ में ही संवाद कर रहे हैं, इस अर्थ में ही उसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति कई बार हमारे में नहीं होती कि हम दूसरे को एक्सप्लोर करने में हेल्प करें बजाय इससे कि दूसरे के ऊपर हम डिक्टेट करें, प्रिस्क्राइब करें, है ना। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें। तो ये रिएक्शंस हैं, ये बहुत सारे रिएक्शंस हैं, इसको हम अपने आप में देख सकते हैं। तो ये प्रतिक्रिया पूर्वक जीने की बात है, परतंत्रता की बात है जी। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं और हमको ये देखना है जो अभी बात हो रही थी कि अगर व्यवहार की बात करें, अगर दूसरे ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया या दूसरे ने हमारे अनुसार कार्य नहीं किया तो हम कैसे प्रभावित हुए, और इसको भी ऑब्जर्व करें थोड़ा कि कैसे हम इम्पोज करते हैं कि दूसरे को ऐसा होना ही चाहिए, दूसरे को ऐसा करना ही चाहिए, और ऐसी हम कितनी गलतियां कल दिन भर में किए हैं। इसको 10 मिनट अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पे हमारे अंदर वो रिएक्शन शुरू हो जाता है और फिर हम उसे परेशान होने लगते हैं जी। तो 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं फिर प्रश्नों को लेते हैं।
जी बढ़िया। नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया अभी पिछले 10 मिनट में जो आपने संस्कार के बारे में डूज एंड डोंट्स एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी सेल्फ ये बताया, या फिर हम क्या चाहते हैं, तो भैया ये 10 मिनट में मैंने ये सोचा है कि मुझे जो समाज भागीदारी की जिम्मेदारी कॉलेज में मिली या मैंने खुद होके लिए, जैसा प्लांटेशन है वो, तो अभी मुझे 10 मिनट में ये ख्याल आया कि जिन लोगों छुट्टी का दिन है, जिन लोगों को मैंने ये जिम्मेदारी दी है कि अभी धूप चल रही बहुत सारी नागपुर में, तो सबेरे सबेरे पौधों को पानी देने के देते हैं, तो उसमें कमी ढूंढ के उनको डांटने के बजाय उन्हें अगर अच्छे से एक्सप्लोरेशन करने का चांस दिया कि हमको ये पौधा क्यों पैदा करना है, इससे आप लोगों को क्या फायदा है, जो भी उनके रिलेटेड है, जैसे गार्ड्स है, सिक्योरिटी है, कि आपको ही आगे आने वाले समय में इसका फायदा होने वाला है, तो ये बात मेरे ये 10 मिनट में मैंने सोचा, क्योंकि मुझे वो करना होता है कि उनको नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुमको समझता नहीं क्या, ऐसे रूड वे में बताने के बजाय मैं खुद जाके उनको नया नया टेक्निक बता के कि भैया एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें छेद करके अगर पानी छोड़ोगे तो पानी बहुत देर तक रहेगा, तो क्या भैया ये मतलब सही हो रहा है या ये कुछ मैंने दस जी मिनट में जी सोचा? बढ़िया बढ़िया। इनफैक्ट ये हम अपना एक अभ्यास अगर हमारा बन जाता है, अभ्यास जी मानने भैया के स्तर पे नहीं परंतु तो सजगता के आधार पर, कि हम खुद में भी हर बार एक्सप्लोर करते हैं और दूसरे को भी जब भी संवाद करते हैं उसको एक्सप्लोर करने में हम फैसिलिटेट करते हैं, तो जी ये हमारे संबंध में निर्वाह का एक अभ्यास बन जाता है और ये काफी उपयोगी है। क्योंकि तो इससे हम, जैसे हम दूसरे को एक्सप्लोर करने में हेल्प करने जाते हैं, फैसिलिटेट करने जाते हैं, दूसरा हमसे प्रश्न करता है ना, उसके अंदर बहुत जी सारे बिल्कुल प्रश्न बने हुए हैं और जब प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल देते हैं हम बिल्कुल। देखते हाँ हैं। हाँ 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 जैसे आप किसी को अगर गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ना पेड़ क्यों लगाना आवश्यक है इत्यादि, जी अब वो आपसे प्रश्न करेगा, तो यदि उसको पेड़ और पशु पक्षी के बीच का अंतर नहीं पता, पेड़ और मनुष्य के बीच का अंतर नहीं पता, या पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक ये नहीं पता, और हो सकता हमें भी नहीं पता, हो सकता हम पेड़ लगाने के कार्यक्रम में इतना ज्यादा उससे प्रभावित हुए। जी आज का जो डिस्कशन है इन शॉर्ट में खत्म करता हूं, तो इसमें हमको ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं, कल से आपने जो दिया था होमवर्क के रूप में, अभी जो हम देख रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अथॉरिटी, मतलब आप सिर्फ लोगों को भाषण देने के बजाय उनको वो कैसे करना है इसका अगर तरीका बताए, और उनमें परिमार्जन या एक्सप्लोरेशन उनमें भी हो जाए, सिर्फ आपने समझ के फायदा नहीं है, मैंने बिल्कुल समझ के फायदा नहीं है, मेरे जो स्टेक होल्डर्स है, नीचे वाले लोग, बच्चे स्टूडेंट्स है या मेरे अंडर काम करने वाले लोग है, ये सब अगर समझ जाते हैं भैया तो मुझे बड़ी आसानी और मुझे प्रसन्नता होती है कि वो काम देखिए अपने आप चल रहा है, सवेरे जाके देखता हूँ पौधे पर पूरे हरे भरे, झाड़ को पानी मिला हुआ है, वाह वाह वाह, कितना अच्छा लगता है। सिर्फ कैसे का मुद्दा नहीं, क्यों का भी मुद्दा है। तो कोई काम अच्छा कैसे करना चाहिए ये तो फिर एक प्रिस्क्रिप्शन में ही जाएगा, क्यों करना है और वो उसके कैसे सुख और समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ तक हम अच्छा देख पाए दिखा पाए, अच्छा तो व्यक्ति फिर स्वयंस्फूर्त विधि से करने लगता है इस काम को और हम भी अपने आप में देख पाते हैं। क्योंकि तो बहुत सारी चीजें जो हमने मान ली है कि दूसरे को ऐसा करना चाहिए, हमने खुद भी एक्सप्लोर नहीं किया है और ना हमारे पास दूसरों के प्रश्नों का उत्तर है जी ना, तो हम उसमें उलझ अच्छा जाते हैं। हाँ, मतलब बढ़िया हम हुआ। कोई भी एक्टिविटी जब हम करने जाते हैं तो पहले वो एक्टिविटी को अपने आप में चेक करें, जो हमारा अभ्यास चल रहा है ना भैया, कि पहले जी उसको चेक करें ये कैसे करना है, ये तो प्रिस्क्रिप्टिव हो गया एकदम करेक्ट, लेकिन क्यों करना है ये एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट हो गया, बराबर है भैया? बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया नमस्ते नमस्ते। भैया जी नमस्ते, सबको नमस्ते। भैया जी, जो नमस्ते। ये शरीर का जो मतलब अपने ऊपर ऑब्जर्व करना था, तो कल मैं बैठा हुआ था, जैसे काम किया एक आधा मतलब 40 मिनट 1-1.5 घंटा, तो उसके बाद मैं शरीर को ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे सर में हल्का सा दर्द होता है और काम करने की इच्छा भी नहीं होती। अच्छा, अपने जो संस्कार ऐसे बने हुए हैं ना, तो सोचा है कि 10 मिनट टहलने फिर काम करें, लेकिन संस्कार ऐसा बना हुआ है कि जब भी पहली ऐसी कोई स्थिति आती थी तो YouTube देख लिया कि कुछ खा लिया, तो काफी संघर्ष करने के बाद भी मैं फिर YouTube या कुछ खाने के लिए चला गया, अपने अपने आप को रोक ही नहीं पाया, तो इसका मतलब हमारी प्रियोरिटी नहीं बनी है, ऐसा कुछ है? हाँ, अभी हमें वहां पर सुख नहीं दिख रहा, उस क्षण में तो हमें सुख कुछ खाने में या कोई देखने में ही दिख रहा है, इसलिए हम ऐसा करते हैं।
उस क्षण में जो सुख है हमें उसका स्रोत ज्ञान नहीं दिख रहा, समाधान नहीं दिख रहा, ये तो निश्चित है। ये तो उसके लिए हम काम करते हैं। देखिए शुरुआती दौर में तो ये लगा रहेगा, बट उसको हम जितना बारीकी से जितना सजगता से ऑब्जर्व कर ले जाएंगे उतनी हमारी गति सामान्य होती जाएगी। तो जो बात हो रही थी फ्लक्चुएशन हमारा धीरे धीरे कम होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है फ्रीक्वेंसी है कम होता जाता है, मीन पोजीशन राइज करने लगता है कि अभी हमारा जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है आज से 10 दिन बाद 20 दिन बाद 50 दिन बाद साल भर बाद काफी धीरे धीरे उठ जाता है। और ये जो हमारा आवेशित होना है प्रतिक्रिया करना है ना, चाहे पॉजिटिवली चाहे निगेटिवली, ये कम होता जाता है। प्रतिक्रिया का जो विस्तार था है ना वो कम होता जाता है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी जितनी बार प्रतिक्रिया करते थे वो कम होती जाती है। तो इसका मतलब है कि इसे और ऑब्जर्व करना है और अपने अंदर उस ज्ञान को सुनिश्चित करना है कि हाँ मतलब जो मैं इसकी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ वो नेचुरली एक्सेप्टेबल है भी है नहीं भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी भैया नमस्ते। भैया मैं अभी जैसे मैं देख रहा था इस चीज को तो मैंने ये पाया कि जब हम लेक्चर देने जाते हैं तो कई स्टूडेंट्स ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं रास्ते को, है ना, वो रास्ता ही नहीं देते, खड़े हुए बात कर रहे हैं। तो इंटरनली एकदम एक विचार चल पड़ता है कि यार इन लोगों को इतनी अकल नहीं कि हम लोग जा रहे हैं हमें लेक्चर लेना है और इनको हट जाना चाहिए, हम अपने टीचर्स के सामने से हट जाते थे। तो ऐसे समय में अब ये विरोध तो चला, ये विरोध तो चला, ये तो दिख गया विरोध चला, लेकिन अब इसका समाधान ये है कि क्या हम उन्हें समझाना शुरू करें सर वहीं पर, जबकि वो बात सुनना भी नहीं चाहेंगे उस समय। हाँ हम उसको देखें कि ये बच्चे ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं, ये बात हमको दिखाई दे। तो या तो बच्चों को जो लोग और दूसरे रास्ते से गुजरने वाले जिनका रास्ता उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया उनके साथ संबंध का भाव नहीं दिख रहा कि हमारे से उनको कोई कठिनाई हो रही है, कोई हानि हो रही है ना, इसलिए खड़े हैं। या उनको ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ स्पेस नहीं है प्रॉपर खड़े होकर बात करने के लिए, इसलिए रास्ते में खड़े हो रहे हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि वहाँ का जो पूरा हमने एक तरह से डिजाइन बनाया हुआ है उसमें बच्चों के प्रॉपर साथ साथ खड़े होकर या बैठ कर बात करने के लिए हमने जगह भी बनाई है कि नहीं, तो बच्चे बात भी हो जाते हैं, इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक तो बच्चों का अपना अभ्यास हो सकता है कि उनके टीचर्स के प्रति जो संबंध का भाव अभी नहीं बन पाया है इसलिए ऐसी गलती कर रहे हैं। दूसरा सर ने प्रोविजन भी नहीं क्रिएट किया है कि नहीं। भैया ये बात तो सही है कि संबंध का भाव तो दिखता नहीं है, जिनको दिखता है वो तो एक उनकी जो एक्सप्रेशन है वो अलग ही दिखता है ना जी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब वो सामने वाला सुनने को तैयार भी नहीं है तो अपने भाव से हम जैसे सपोज कीजिए अब हमारा रिएक्शन ही आया तो उस रिएक्शन में हमने उनको हाथ से ऐसे कर दिया है तो रिएक्शन ही, क्योंकि हाथ आके हमने हटाया उनको तो ऑब्वियसली अंदर कुछ चला भी विरोध कभी ये सब बात भी हुई। तो मुझे लगता है कि संवाद का तो बच्चों के पास उस समय क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है ना, हमें भी लेक्चर लेने जाना है, अगर हम उनके साथ बात करेंगे तो उनके प्रश्नों का ठीक से शायद हम लोग ना कह पाए ना बात। अगर अवसर नहीं है तो वहाँ पे हम संवाद नहीं करेंगे, तो वहाँ पे मान लीजिए हमने कह भी दिया कि भाई रास्ते मत खड़े होइए इससे हमें आने जाने में या दूसरों को आने जाने में कठिनाई होती, इतना हमने बताया ठीक है, बट उसके बाद हम फिर बुला के बच्चों से बात भी कर लेंगे अगर अवसर मिला, जब अवसर मिला कि आप लोग रास्ते में खड़े रहते हैं तो क्यों खड़े रहते हैं, कोई दूसरी जगह है कि नहीं आपके पास बैठने के लिए बात करने के लिए, तो वहां से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम ऐसी कोई बात कहेंगे नहीं जिसमें हमको कुछ प्रिस्क्राइब करना हो, अगर हमारे पास एक्सप्लोर करने या कराने का अवसर नहीं है तो जो डिजायर्ड आउटकम है उसके अनुसार हम कुछ वहाँ पे निर्वाह करेंगे, बट वहाँ हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि जब तक दूसरा व्यक्ति एक्सप्लोर ना कर ले हम उसको उसके अनुसार ही चलने देंगे, नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति के एक्सप्लोर ना कर पाने का अगर दूसरों को कठिनाई हो रही है और ऐसा परिवार में समाज में संस्था में ये होगा ही, तो वहाँ पे हम आवश्यकता अनुसार डूज एंड डोंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट उसका हमको रोल दिखाई देता है कि बहुत सीमित है, चूंकि एक्सप्लोर करने या कराने का अवसर नहीं है इसलिए हम अभी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यही एक वे ऑफ बिहेवियर है, यही तरीका है, इसी के साथ हमको चलना है। तो और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बुला के डायलॉग भी करेंगे बाद में, हमारा रोल यहाँ पे पूरा नहीं हो जाता।
अब क्लास के लिए आप जा रहे हैं, आपको टाइम पे पहुंचना है, अब वहां से अगर आप बैठ के डायलॉग करना शुरू करें बच्चों के साथ तो क्लास सफर करेगी। हो सकता है 50 मिनट तो बच्चों को बच्चों के साथ डायलॉग करने में निकल जाए, तो फिर वो आपके एंड पे एक गलती हो जाएगी, क्योंकि तो बच्चे क्लास में बैठे हैं, उनको भी लग रहा है कि टीचर को अब तक पहुंच जाना चाहिए था क्लास में, टाइम पे नहीं आए। तो वैसा तो नहीं करेंगे कि हम वहाँ खड़े होकर पूरे समय संवाद करने लगेंगे, वहां पे समय की सीमा को देखते हुए हम उनको ध्यानाकर्षण करा देंगे, बट उसके बाद फिर हम सोचेंगे इस पे हम मैनेजमेंट से भी बात करेंगे कि ऐसा हो रहा है और इसके लिए हमें समाधान देखने की जरूरत है। जी नहीं, लेकिन भैया वही था कि जो विरोध उस समय तो दिखा नहीं, क्योंकि मैंने अपना करके तुरंत चला गया। अभी जब मैं ध्यान बैठा था तो मैंने पूरा रिकॉल किया पूरे उसको, तो मैंने देखा कि यार ये जो पॉइंट था इसमें मेरे अंदर कुछ विरोध चला कि भाई इनको इतनी अकल नहीं है बेवकूफों को कि जो है ये समझते हैं, ये जो हमारे ना विरोध बना है ना, हमने ये जो अब माना कि इतनी अकल भी नहीं है कि इनको ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए, ये फिर मेरे लिए परेशानी कारण है। ये विरोध चला तो वो थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हुआ उस समय में, मुझे लगा कि शायद उसका दूसरा समाधान ये था कि मैं रास्ता अपना बदल सकता था और बदल के अपना मतलब या उनको इंडिकेट कर सकता था भाई आई एम इन हरी काइंडली लीव द प्लेस जी। तो ये एक मुझे अभी ऑब्जर्वेशन आई तो मैंने मतलब उसका समाधान भी कुछ कोशिश करी तो मिला, बट वो ये सब भैया इतने ध्यान से वैसे सूक्ष्मता के साथ जो है ना देखना पड़ेगा तभी शायद उसका तो कोई हल भी मिलेगा और अवेयरनेस का लेवल भी बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने संबंध को वहीं तक देखते हैं जहां तक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है, ये समस्या है। तो हमको दिखाई देगा अगर दूसरा व्यक्ति जिम्मेदारी पूर्वक नहीं जी पा रहा तो हमारा संबंध तो बना हुआ है, तो उस घटना के बाद जब आपके ऑफिस में बैठेंगे तो उसे विचार करेंगे इसका क्या समाधान हो सकता है। प्रशांत जी जो लिख रहे हैं व्हेन टीचर इज कमिंग दे मस्ट क्लियर द पैसेज, अब ये भी एक इम्पोजिशन है ना, ये वही चाहिए वाली बात है, ऐसा तो होना ही चाहिए और नहीं होगा तो फिर हम परेशान होंगे, एक मान्यता बन गई हमारी। भैया वो जैसे हम लोग अपने टीचर्स के सामने कभी खड़े नहीं हुए, हम लोग जो थे ना हमारे जो प्रोफेसर थे जब भी जिस रास्ते से आते थे हम बहुत क्लियरली सामने से हट जाते थे और उनको मतलब एक अलग ही एक हमारा जो विश करने का अंदाज था वो अलग ही था, तो कभी हम लोगों का ऐसा रहा ही नहीं है ऐसा पास्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मान्यता बैठी है कि ऐसा ही होना चाहिए अंदर ना कि हम आ रहे हो तो बच्चे थोड़ा सा हट जाए और एटलीस्ट इतना सेंस ऑफ ह्यूमर रहता ही है कि आदमी कोई टकरा ना जाए, लड़के लड़कियां सब आपस में खड़े रहते हैं, तो ये शायद कहीं मान्यता थी जो कि वो निकल के आई। अभी उसको मैंने एक्सप्लोर किया, अब मैं देखता हूँ इसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं। थैंक यू भैया। नमस्ते भैया, अभी ना मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम मैं ऑब्जर्वेशन करती हूँ तो मेरे ना बहुत ज्यादा टाइम रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में जाता है, जैसे कि सपोज अगर मैं सेल्फ के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ तो उसमें ये होता है कि अगर सेल्फ सभी एक जैसे हैं, पोटेंशियल सेम है, तो इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, मतलब ऐसे क्यों वाले क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम जाते हैं। या फिर जैसे लोग जो मतलब इतना कहते कुछ और है या करते कुछ और है तो इतना डिफरेंस क्यों है। और अगर जैसे अब बॉडी की बात करें तो जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे पहले हम सुनते थे कि फास्टिंग करनी चाहिए तो वो किसी के लिए करनी चाहिए, किसी डीपी के लिए, तो मन नहीं होता था कि जैसे हमने ये भी सुना था कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे भूखे रहें, तो ऐसे अंदर से नहीं होता था कि फास्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करते थे। तो लेकिन जैसे अभी रिसेंटली मैंने इंफॉर्मेशन सुनी है कि फास्टिंग से जो है वो इंटरनल हीलिंग होती है बॉडी की, तो मन बनाया तो हो गई, उसमें इतना कुछ लगा ही नहीं कि भूख लग रही है, तो इसमें ये रीजनिंग आई कि सिर्फ मान्यता पे आधारित था, सेल्फ का इतना इम्पोर्टेंट मतलब इम्पैक्ट है बॉडी पे कि मतलब इतना इम्पैक्ट कर सकता है सेल्फ की मान्यता, तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए रीजनिंग तो अच्छी चीज है, बट जो रीजनिंग करके हम सिर्फ एनालिसिस तक रुक जाते हैं वो ठीक नहीं है, तो हम उससे आगे भाव तक जाए। तो रीजनिंग में तो अच्छी बात ये होती है कि जो चीजें लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, वो ड्रॉप हो जाती है ना, बट उससे पूरा समाधान नहीं निकलता जब तक हम भाव पे शिफ्ट ना हो जाए।
तो रीजनिंग के साथ साथ हम भाव को भी देखना शुरू करें। जैसे फास्टिंग करनी है, मुख्य मुद्दा संयम के भाव का है, फास्टिंग मुख्य मुद्दा नहीं है। और संयम में भी शरीर को साधन के रूप में देखने का भाव है। संयम मतलब ये नहीं कि ये नहीं खाना ये खाना, ये नहीं पीना ये पीना, ऐसा नहीं। शरीर को साधन की तरह देखते हुए जी रहे हैं कि नहीं, ये मुख्य मुद्दा है। तो जब हम भाव पे शिफ्ट होते हैं तो फिर वो जो रीजनिंग अभी तक हमने किया उसका सदुपयोग हो जाता है। अगर भाव पे शिफ्ट नहीं हुए तो जो रीजनिंग किया वो रीजनिंग तक ही रुक जाता है। फिर उसमें क्योंकि हमारा भाव ठीक नहीं हुआ है तो फिर हम दूसरों को कमियां ढूंढने लगते हैं, फिर उसकी रीजनिंग करने लगते हैं। जब शरीर में कमियां ढूंढने लगे उस पर रीजनिंग करने लगे और अल्टीमेटली हम पैरालिसिस तक के जाके रुक गए। जी, तो मतलब जैसे हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस केस में हमें कैसे फर्दर मूव ऑन करना चाहिए, मतलब कि हम वहां पे अटके नहीं क्वेश्चंस वाले उस प्रोसेस में। देखिए, किसी प्रश्न को ड्रॉप ना करें, सारे प्रश्न उपयोगी हैं, जितने भी तरह के प्रश्न अंदर से आते हैं, है ना। और आप उसको नोट कर लें तो आप पाएंगे जितने भी तरह के प्रश्न आ रहे हैं उनमें कुछ मूल प्रश्न है जिसके उत्तर मिलने से इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो थोड़ा और रीजनिंग करें, उस मूल प्रश्न में पहुंच जाएं तो मूल प्रश्न आपको वही दिखाई देगा कि मानव क्या है, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व मानव की भागीदारी क्या है। यही तीन मूल प्रश्न है। वहां पहुंच गए तो फिर वहां पे ऑब्जर्व करेंगे, वहां ऑब्जर्व करेंगे फिर वहां समाधानित हो जाएंगे। तो रीजनिंग जितने भी हो रहा है, जितना एनालिसिस हो रहा है, विचार चल रहा है, सबको नोट कर ले, है ना, और उसे मूल बात को जाके देखना शुरू करें तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो 6B में ये देख रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर समझ आधारित संस्कार होता है तो हम जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो यदि मेरे निर्णय सही समझ पर आधारित होते हैं तो मैं निरंतर आराम में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। मैं संवेदना का उपयोग शरीर या बाहर का ठीक ठीक मूल्यांकन करने में करता हूँ और यह तय करता हूँ कि कैसे व्यक्त हूँ, किस प्रकार परस्पर पूरक हो पाऊं। तो दूसरे जो भाव व्यक्त कर रहे हैं उनकी स्थिति को दर्शाता है। तो जैसे यदि कोई दूसरा व्यक्ति है, आवेशित है, गुस्सा कर रहा है, इससे मैं ये देख पाता हूँ कि चाहना तो ठीक है, योग्यता की कमी है, उसमें सही समझ नहीं है, परेशान है, उसे मदद की जरूरत है, उसे आश्वस्त करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैं अपनी तरफ से सही भाव, सम्मान के साथ, विश्वास के साथ प्रस्तुत होता हूँ और फिर सही समझने में उसका सहयोग कर सकता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि दूसरे के व्यवहार को देखकर हम आवेशित हुए, अगर प्रतिक्रिया पूर्वक जीना, नहीं तो दूसरे के व्यवहार को देखकर दूसरे के संस्कार हमको दिखाई देते हैं। आप जितना इतना अपने संस्कारों के प्रति अवेयर होंगे ना, आपको दूसरे व्यक्ति के आचरण को देखते ही उसका संस्कार दिखने लगता है, उसके बोलने चलने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, खाने पीने का, उसके जो सिलेक्शंस हो रहे हैं, किन चीजों को सिलेक्ट करता है ना। तो जैसे कहीं पे कोई अगर कार्यक्रम चल रहा है तो आप पाएंगे कुछ लोग होंगे जो जाके पिछली कुर्सी लेंगे, कुछ लोग होंगे जो अगली कुर्सी लेंगे, कुछ लोग होंगे जो वेट करेंगे सभी बैठ जाए, जो जगह बचेगा वहां बैठेंगे हम। अभी सब हमारा संस्कार है कि नहीं, तो इस चीज को हम अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमको दूसरे के संस्कार के बारे में पता चलता है। और वो तब पता चलता है ठीक से जब हमको अपने संस्कार में दिखता है कि देखो हम भी कभी, है ना, इस विधि से ऐसे ऑपरेट होते थे, अब हम दूसरी विधि से ऑपरेट होते हैं, अब हम उस तरह की मान्यता से निकल पाए हैं। तो दूसरे के व्यवहार से मैं दूसरे की स्थिति का आकलन करता हूँ। कोई दूसरा इरिटेट होकर बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ठीक, तो हमको पता लगता है कि अच्छा इसका ये यहाँ पे संस्कार बना हुआ है ना, और संस्कार दिख ही रहा है समाज में, जितने तरह के अपराध हो रहे हैं, जितने तरह की विसंगतियां बनी हुई हैं, बहुत गहरे गहरे संस्कार है, भेद का बहुत गहरा संस्कार है। तो हम दूसरा व्यक्ति हमसे व्यवहार करें उससे हमको पता लगता है कि इसके अंदर ये भेद बना हुआ है, तो मैं उसका मूल्यांकन करता हूँ, उसकी परेशानी को समझता हूँ, फिर वो कैसे वहां से निकले उसके अर्थ में विचार करता हूँ और उसी अर्थ में प्रस्तुत होता हूँ, उसको सेल्फ एक्सप्लोर करने में हेल्प करता हूँ। वैसे वातावरण में होने वाला भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, कोई ठंड है तो जितनी ठंड है उतना उसके अनुसार कपड़े पहनेंगे, है ना, गर्मी है तो गर्मी का भी सदुपयोग। इनफैक्ट ये जो बिल्कुल हम वातावरण से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग बना के रखते हैं शरीर को, तो ये तो पाया भी जा रहा है कि उससे इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाती है। गर्मी हुई नहीं कि हमने एसी चला दिया दिन भर एसी में बैठे हुए, ठंड आया नहीं कि हीटर चला दिया दिन भर हीटर में बैठे हुए, तो उसमें आप पाएंगे कि अल्टीमेटली हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है कमजोर हो जाता है, शरीर साधन के रूप में कम काम करता है। एक उम्र के बाद दवाएं लेनी पड़ती हैं क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़कर नहीं जी रहे, हम श्रम नहीं कर रहे। अगर हम धूप है और धूप में थोड़ा श्रम करें, पसीना निकालें, तो शरीर मजबूत होता है। ठंड है, ठंड में भी जाए हम श्रम करें तो शरीर मजबूत होता है।
तो हमें ये दिखाई देता है कि जो भौतिक रासायनिक बाहर परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार मेरी भागीदारी क्या है, तो उससे अपने आप को बिल्कुल बचा कर रखना मेरी भागीदारी है, या शरीर की व्यवस्था को समझकर उसके साथ इंटरेक्ट करना, ये मेरी भागीदारी है कि नहीं। वैसे तो शरीर में कुछ हो रहा है, हमको दिखे कि शरीर तो जड़ है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, हर क्षण हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। तो शरीर के हर अंग में अभी भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो ही रहा है, एक सीमा से अधिक बढ़ता है तो दर्द लगता है, तो हमको ये भी दिखाई दे सकता है। तो सर दर्द है यदि, तो शायद इससे संकेत ये हो रहा हो कि शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है कि नहीं। अगर पैरों में इचिंग हो रही है तो सकता है कि ड्राइनेस बढ़ गई है बॉडी में, ऑयलिंग नहीं की हमने शरीर के ऊपर, तेल नहीं लगाया, उसको लगा ले फॉर एग्जाम्पल। तो शरीर से जो भी संवेदना मिलती है उसका हम सही सही मूल्यांकन कर पाते हैं, उसके अनुसार हम सही सही निर्णय ले पाते हैं। तो फिर मैं शरीर के माध्यम से अपने भाव विचार को बाहर अभिव्यक्त करता हूँ, दूसरे का व्यवहार हो, कार्य हो, कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो, शरीर की कोई स्थिति हो, मैं अपने आप में सुख की स्थिति में बना रहता हूँ, आराम की स्थिति में बना रहता हूँ कि नहीं। तो मैं स्वतंत्र रहता हूँ, स्वयं व्यवस्थित रहता हूँ। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। रियली रिमाइंडिंग व्हाट शुड बी फॉलोड इज इरिटेटिंग टू डिसिप्लिन द टीनेजर्स। जी, ये व्हाट शुड बी फॉलोड है ना, ये एक इम्पोजिशन है। तो वही जो बात हो रही थी कि भाई समय नहीं एक्सप्लोर करने या कराने का, तो हमने भले ही कम समय में ये बात कह दी, परंतु बच्चों को अगर यही स्पष्ट नहीं है कि क्यों जीना है, तो ये कैसे स्पष्ट हो सकता है कि कैसे जीना है। तो बच्चों के अंदर जो बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, मान्यताएं बनी हुई है, उनको पता ही नहीं है क्यों जीना है, जीने का मतलब क्या होता है पता नहीं, सेल्फ और बॉडी का पता नहीं है। अब हम जाकर उनको प्रिस्क्राइब करें कि तुमको ऐसे रहना चाहिए, कमरा ऐसे रखना चाहिए, खान पान ऐसा होना चाहिए, व्यवहार ऐसा होना चाहिए, अधिक से अधिक वो मान लेंगे, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो उसमें रीजनिंग से भाव पे आना या डायरेक्ट भाव पे आना हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। तो चूंकि दीदी कह रही थी ना बनीषा जी की उनका रीजनिंग का बहुत ज्यादा अभ्यास है, तो मैंने कहा उससे आगे हम भाव पे जाए, बट हम सीधे सीधे भाव को देख सकते हैं। वही तो बात हो रही थी अभ्यास एक में, स्टेप वन हम सीधे सीधे भाव को देख पाए। जी, तो ये हम ऑब्जर्व करें आज जितनी बातें हुई, तो कैसे कैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे कैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं, और कैसे हम जिम्मेदारी पर निर्वाह कर सकते हैं उसी परिस्थिति में, उसी व्यक्ति के साथ, उसी क्षण में। अगर हमको दिख जाए कि दूसरे की चाहना ठीक है, योग्यता कमी है, तो हमारा पूरा एफर्ट बदल जाता है कि नहीं। तो स्वयं में सही समझ के आधार पर मेरा भाव और विचार सही रहता है, मेरा भाव विचार सही समझ के आधार पर तय होता है और किसी बाहरी घटना से प्रभावित नहीं होता, तो इससे मैं आराम में रहता हूँ। लेकिन इतना तो निश्चित है कि यदि निरंतर सुख की बात करें, ठीक है ना, तो इसका स्रोत बाहर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा है वो परिवर्तनशील है। और ये तीनों प्रकार की जो संवेदनाएं आ रही हैं, दूसरे का व्यवहार हो, भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो, शरीर में कोई घटना हो, इसमें परिवर्तन तो होता ही रहता है। तो अगर कहीं हमने इससे सुख को जोड़ा हुआ है तो हमारे सुख की निरंतरता नहीं हो सकती। तो बाहरी संकेतों को मैं अपने शरीर या बाहर की स्थिति का मूल्यांकन करने में प्रयोग करता हूँ, मेरी इच्छाएं भाव निश्चित रहते हैं और संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को मैं समझता हूँ, तो मैं अपने शरीर के साथ सही निर्वाह करता हूँ, शरीर का संवर्धन करता हूँ, संरक्षण करता हूँ, सदुपयोग करता हूँ, यानी शरीर का मैं ठीक से पोषण करता हूँ, बचा कर रखता हूँ, उसका सदुपयोग करता हूँ। इसमें भी प्राइमरी जो इश्यू है सदुपयोग का है, शरीर के सदुपयोग को समझ लें तभी हम उसको संरक्षण भी ठीक से कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको लग सकता है भाई बाहर धूप है ना, तो शरीर को संरक्षण करने का मतलब तो ये कमरे में बंद रहे, बट ये सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये तय होना जरूरी है। तो अगर सदुपयोग की दृष्टि से देखेंगे तो बाहर निकलकर दूसरे से व्यवहार करना, दूसरे के लिए कोई कार्य करना, प्रकृति में कोई भागीदारी करना, ये बनेगा। तो संरक्षण भी तभी स्पष्ट होता है जब सदुपयोग स्पष्ट होता है। संवर्धन भी, शरीर को खिलाना पिलाना पुष्ट करना है, कितना पुष्ट करना है, कितना खिलाना पिलाना है, तो सदुपयोग के अर्थ में तो पता चला कि शरीर का हमको संवर्धन करना है तो हमारा वजन रोज बढ़ता ही जा रहा है कि नहीं। हमको लगा भाई शरीर को संवर्धन करने की, पुष्ट करने की बात हुई है, बट शरीर को जो पुष्ट करना है वो सदुपयोग के अर्थ में करना है, ये बात हमें स्पष्ट नहीं है। वैसे दूसरे मानव साथ व्यवहार करेंगे तो उभय सुख के अर्थ में, न्याय के अर्थ में करेंगे, तो हम हर बार इस बात को देखेंगे कि अल्टीमेटली जो मेरा भाव था वो दूसरे के अंदर जांच परख की प्रक्रिया शुरू हो जाए, दूसरा समाधानित हो जाए, इस अर्थ में था,
या खुद हम चूंकि दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे, आवेशित हो गए थे, इसलिए हमने व्यवहार कर दिया। दोनों में बहुत अंतर है, बिल्कुल अपोजिट है। कि हम दुखी परेशान हुए थे तो हमने दुख को कम करने के लिए व्यवहार किए। हम अपने आप में आराम रहे तो दूसरा कैसे आराम पाए, उस अर्थ में व्यवहार किए तो न्याय के अर्थ में होगा। वैसे शेष प्रकृति साथ जब कार्य करेंगे तो वह समृद्धि के अर्थ में होगा। वह समृद्धि मतलब हम पहले अपने आप में जांचेंगे सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट है कि नहीं, कि नहीं। तो सुविधा की आवश्यकता अगर स्पष्ट है तभी तो हम शेष प्रकृति का भी संवर्धन संरक्षण सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो उस अस्पष्टता के साथ या तो हमको लगता है भाई इतने में ही हमको काम चलाना है तो हमने संवर्धन ही बंद कर दिया प्रकृति का, या इतना ज्यादा भोग करना है कि इसका दोहन शोषण शुरू कर दिया, दोनों ही ठीक नहीं है। तो अगर हमें अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी की आवश्यकता है, तो लकड़ी प्रयोग भी करेंगे और पेड़ लगाएंगे भी। तो एक एक्सट्रीम हो गया, अभी लकड़ी नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि पेड़ काटना पड़ रहा है, अभी तो पेड़ काटे तो पेड़ लगा भी दे। दूसरा एक्सट्रीम हो गया, पेड़ नहीं लगाएंगे और लकड़ी के फर्नीचर और सब चीजें भरते जा रहे घरों में कि नहीं, और उसके बाद एक भी पेड़ नहीं लगा रहे। तो ये हम है ना उभय समृद्धि का आकलन करेंगे। वैसे ही जहां कहीं भागीदारी होगी हम अपनी बड़ी व्यवस्था को देख पाएंगे। हम कहीं सड़क पे भी चल रहे हैं तो एक बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, हम किस ओर चल रहे हैं। तभी आप देखिए तो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं, अपना थोड़ा समय बचाने के लिए बाकी सबके लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हम बड़ी व्यवस्था भागीदारी कर रहे हैं या अव्यवस्था फैला रहे हैं। जहां बैठे हैं वहां हमने खाया पिया, चिप्स का पैकेट वहीं फेंक दिया, ये हमको दिखाई दिए पार्क, ये जगह, ये समाज, ये हमसे बड़ी व्यवस्था है, उसमें हम भागीदारी कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम इस विधि से देखेंगे तो बहुत सारी चीज इसको हमको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है दूसरे के लिए, या दूसरा जब प्रिस्क्राइब करता है तब हम वैसा करते हैं, उससे हम निकल पाएंगे। हमको खुद ही दिख रहा है व्यवस्था क्या है। ऐसा क्यों कि जब दूसरा कहेगा कि रॉन्ग साइड नहीं चलो तभी राइट साइड चलेंगे, दूसरा कहेगा कि कचरा डस्टबिन डालो तभी डालेंगे, है ना, दूसरा कहेगा कि लाइट फैन ऑफ करके निकलो कमरे से तभी निकलेंगे, इसकी आवश्यकता ही नहीं बनेगी। हमको खुद ही संबंध दिखाई दे रहा है, हमको खुद ही व्यवस्था दिखाई दे रही है। अदरवाइज इनमें से हर एक चीज के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है या दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। तो बाहरी संकेतों और घटनाओं का मैं ठीक ठीक मूल्यांकन करता हूँ, मैं तय करता हूँ कि दी गई स्थिति परिस्थिति में मैं किस प्रकार परस्पर पूरक हो सकता हूँ, किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी का ठीक ठीक निर्वाह कर सकता हूँ, और मैं फिर जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। तो आगे की बात है, ये ना ये स्वतंत्र होने की बात है, स्वतंत्रता पूर्वक जीने की बात है। इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, समय हो चला है, आज हम लोग चर्चा यहाँ पे रोकते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।